राम जी के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। आज जयंती है, आज पर्व है, बड़ा खुशी का पर्व है। बड़े आराम से हनुमान जी में दर्शन हुए, प्रेम से अब राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हर पूर्णिमा को हर महीने आता हूँ मैं। कैसी व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आराम से दर्शन होते, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ भी नहीं, प्रेम से दर्शन हो रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज जयंती पर बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी आते तब भी अच्छी लगता है, यहाँ से जाने का मन नहीं होता कि यहीं बने रहें। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही हर्ष हो रहा है हम लोगों को। और देखिए भगवान जी के दर्शन हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे से हमको हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ भी इतनी नहीं है आज अभी। क्या कहना चाहती हूँ, भगवान का मंदिर बना है, बहुत भव्य मंदिर बना है, हम गदगद हो गए इसको देख के और बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने क्षेत्र में जाओगे क्या बताओगी? अरे हम तो अब एक बार बहुत पहले आए थे, तब और अब में रात और दिन का अंतर है। और अब क्षेत्र वालों को बताना है, काफ़ी लोग तो यहाँ आ गए हैं, दर्शन कर लिए हैं, उनके सौजन्य से ही हम लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन लोगों के कहे के अनुसार हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ। हम नैनीताल से आए हैं, आज 23 तारीख है अप्रैल की, हनुमान जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और कल शाम हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे। कैसी भीड़ दिख रही है? भीड़ तो ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हैं जी? हाँ जी हाँ। मंदिर तो बहुत अच्छा है ना, अब ये सनातन धर्म के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है ना। हाँ, कितने लोग आपके साथ में आए? हम लोग 5 लोग हैं। नहीं, दर्शन करने के बाद हम बनारस जाएंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी हमेशा ही राम जी के स्वरूप प्रिय रहे हैं और आज का दिन बहुत ही हिंदुस्तान में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब भाई आए हैं आज सुबह सुबह ही 5-6 बजे से लगे पड़े हैं सब। आज दर्शन हुए हैं बहुत ही मुश्किल से, आप देखेंगे बहुत लंबी भीड़ है, बहुत तांता लगा हुआ है, करोड़ों लोगों का लाइन लगी हुई है सुबह सुबह से, 3-3 बजे 4-4 बजे से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज के दर्शन, तो बहुत ही जिसको मिल गया वो सौभाग्य में ही प्राप्त हुआ। हनुमान जी का जन्म सब बड़े उत्साहित लोग मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो पसंद है लड्डू वो हमने कलेवा से स्पेशली मंगवाए हैं उनके लिए कि उनका भोग लगाएंगे, जो उनके फेवरेट मिठाई है लड्डू बूंदी वो सब उनको चढ़ाएंगे, सब प्रसाद सब में बांटेंगे, इसी तरह से हम हनुमान जयंती मनाएंगे। क्या संदेश देता है ये त्योहार? ये सबसे पहले तो एकत्रता का संदेश देता है, हिंदू धर्म का जागृता होती है और सब मिलकर इस त्योहार को मनाएं, खुशी मनाएं, मीठा बांटें, मीठा खुशहाली रहे, यही सब संकेत देता है। आज भीड़ भी बहुत देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुनने को मिला है जो 4 बजे आए हैं वो भी रश में ही घुसते आ रहे हैं, जो सुबह 2-2-3 बजे के आए हैं वो अब बाहर अब मुश्किल से आ पाए हैं, तो बस यही महिमा है हम हिंदू धर्म वालों की। हम तो हर मंगलवार को आते हैं सुबह यहाँ पर, हमारी पूरी लेडीज की एक मंडली है, हम 12-14 औरतें हैं जो हर मंगलवार को सुबह आती हैं यहाँ पे। तो आज हनुमान जयंती भी थी, लेकिन यहाँ ये देख करके हाल तो लग रहा है कि दर्शन पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पर चलो उनकी महिमा है, यहाँ तक पहुँच गए वही बहुत बड़ी बात है। संदेश तो यही है हिंदुओं के, क्या सारे त्योहार एक जैसे ही होते हैं, बस ये भीड़ भड़क का है, बाकी सब खुशी से रहो, इकट्ठे हो रहो, त्योहार अच्छे से मनाओ, अच्छा बोलो, अच्छा करो, सबका भला करो, बस वही है।